स्पोर्ट्स की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आईपीएल 2023 में आज 28वां मैच खेला गया। ये मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमों के बीचकार खेला गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इस पूरे मैच की हाइलाइट्स और किस खिलाड़ी ने कैसा प्रदर्शन दिखाया उसके बारे में भी बात करूंगा। अगर दोस्तों आप भी आईपीएल के फैन हो और आप भी चाहते हो कि आपकी पसंदीदा टीम इस बार आईपीएल का खिताब जीते तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, बात करें इस मैच की तो इस मैच में कलकत्ता की टीम के कप्तान नीतीश राणा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और लखनऊ की टीम ने 20 ओवरों में 8वें स्थान पर 176 रन जड़ दिए। दोस्तों, स्कोर कार्ड की तरफ नज़र डालें तो लखनऊ की तरफ से कर्ण शर्मा ने बनाए 3 रन, क्विंटन डीकॉक ने बनाए 28, प्रतीक ने बनाए 26 रन, मार्कस टोनी 0 रन बनाकर आउट हुए, कुणाल पांडे ने 9 रन बनाए, आयुष बड़ूनी ने 25 रन बनाए, पूरन ने 58 रन बनाए, कृष्णप्पा गौतम ने 11, रवि बिश्नोई ने 2, नवीन उलहक ने भी 2 रन बनाए। वहीं गेंदबाजों की बात करें तो कलकत्ता की तरफ से हर्षित राणा ने 1 विकेट, वैभव अरोड़ा ने 2 विकेट, चक्रवर्ती ने 1 विकेट, ठाकुर ने 2 विकेट, नारायण ने भी 2 विकेट लिए। इसके अलावा रसल, श्वेत शर्मा, नीतीश राणा को कोई सफलता हासिल नहीं हुई। दोस्तों, इसके बाद विकेट पतन की बात करें तो पहला विकेट गिरा लखनऊ का 14 पर, कर्ण शर्मा आउट हुए। इसके बाद 55 पर दूसरा विकेट गिरा, प्रतीक आउट हुए। 55 पर तीसरा विकेट गिरा, स्टोनिस आउट हुए। 71 पर चौथा विकेट गिरा, कुणाल पांडे आउट हुए। 73 पर पांचवा विकेट गिरा, क्विंटन डीकॉक आउट हुए। 6वां विकेट 147 पर गिरा, आयुष बड़ूनी आउट हुए। 7वां विकेट 159 रन पर गिरा, पूरन आउट हुए और 8वां विकेट गिरा 162 रन पर, रवि बिश्नोई 2 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, इसके बाद लखनऊ की टीम के 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम। उनकी तरफ से जयसन राय और वेंकटेश्वर अय्यर बल्लेबाजी करना है। इन दोनों खिलाड़ियों ने पहले विकेट के लिए 60 रनों के ऊपर की साझेदारी की और इसके बाद रमउल्ला गुरवाज, नीतीश राणा, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह ने मिलकर इस मैच में कोलकाता की टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगती है लाइक कर दें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।